मुझे लग रहा है कि ये तो बड़ी एक संकट की घड़ी हो गई है एनडीए के लिए और के शर्मा जी आपके लिए, ये तो 120 का गणित लेकर बैठे हैं भाई सिर्फ यूपी बिहार से, तो आप 120 को टक्कर कैसे देंगे? नहीं, मुझे आश्चर्य है कि 120 में से अभी मात्र यदि गिने तो तीन ही लोकसभा है इनके पास। आरजेडी तो जीरो है, उसकी तो एक भी लोकसभा सांसद नहीं है और सपा की तीन है, तो 120 में जिसकी आज स्थिति तीन सीट की हो वो 120 सीट जीतने का ख्वाब देख रहा है यहाँ पर और वादे कर रहा है, तो बतौलेबाजी से ज्यादा क्या है? दुनिया समझ सकती है, हंस सकती है केवल इनके ख्वाबों पर। लेकिन मैं अभी एक सुन रहा था अपने जार साहब को, जार साहब ने कहा कि भाषा और बोली किसकी बदल गई। सुचेता जी, आज सारे टीवी चैनल में चल रहा है, कल राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री, ठीक है आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आपकी भाषा और बोली क्या है? नरेंद्र मोदी डर गया, नरेंद्र मोदी भाग रहा है, नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देता है। अरे आपके पिता के उम्र के हैं वो, थोड़ा सोच भी तो सकिए, और देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी भाषा शैली इतनी कैसे गिर गई? किस संस्कार में पले हैं आप? यही संस्कार दिया था आपके घर वालों ने, तो वह अपना संस्कार दिखा रहे हैं, अपना स्तर दिखा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी इस तरह संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद भी अपनी रैली में बोला उसके बारे में, उससे उसका स्पष्टीकरण ले लेंगे, लेकिन पहले तो आप 120 पर बताइए। हाँ, आज उसका उल्लेख किया। देखिए, स्मृति ईरानी ने भी सपना देखा ना कि वो अमेठी से जीत सकती हैं, उन्होंने हरा दिया, तो वो भी देख रहे हैं। और अगर वो सपना हकीकत में बदल सकता है, सपने देखने पर ही हकीकत बनते हैं के शर्मा जी। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है, सपना देखना जरूरी है लेकिन उसका उसी हिसाब से कर्म भी करना पड़ता है ना सुचिता जी। हाँ। अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी कितनी बार अमेठी गए हैं? आपने सुना आज तक कि अमेठी गए हैं? एक या दो बार को छोड़कर कभी अमेठी नहीं गए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कर्म ही नहीं है आपका। ये बात सोनिया गांधी इसलिए लिख के एक मिनट ठीक है, बोलिए बोलिए कंप्लीट। नहीं, एक मिनट बस, मैं बात पूरी कर लूँ फिर। हाँ, पूरी करिए। सोनिया गांधी भी पूरे 5 साल में एक या दो बार के सिवाय वहां रायबरेली नहीं गई, और हाथ जोड़ के चिट्ठी लिख दिया रायबरेली वालों को कि मैं चिट्ठी लिख रही हूं, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि पिछली बार एक सीट जो जीती है वो भी हारने वाली है, क्योंकि आप 5 साल पिछले दरवाजे से राज्यसभा की सांसद तो रहेंगी लेकिन लोकसभा लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्या हिम्मत नहीं थी कि वहां से लोकसभा और लड़के उसकी जनता कर? जॉर्ज जी, क्या हिम्मत नहीं थी कि राज्यसभा का दरवाजा खटखटाया है? और क्या हिम्मत नहीं है इसीलिए अभी तक अमेठी रायबरेली पर निर्णय नहीं है और बन गई ना? क्या यूपी में मोदी योगी की जोड़ी के सामने टिकने से डर लग रहा है इसीलिए ऐलान नहीं है? जॉर्ज जी, सुचित्रा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार ऐसा बिल्कुल भी भय की कोई मतलब स्थिति में नहीं है। जहां तक यूपी का सवाल है, यूपी में कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पे लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को पूरा यकीन है कि इन 17 के 17 सीटों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जहां तक रायबरेली और अमेठी की सवाल है कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उधर जल्द से जल्द उतारेगी और हमें पूरा यकीन है कि हम उधर पे भी जीत हासिल करेंगे। जहां तक मैं के शर्मा जी को कह दूं कि प्रधानमंत्री जो है एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हमें प्रधानमंत्री का पूरा आदर करना है और हम करते भी आदर। राहुल गांधी का कंटेक्ट जो कहने का था वो बिल्कुल भी उनको नीचे गिराने का नहीं था और नीचे गिराना दिखाना भी नहीं था। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री खुद अपने भाषा से जो पूछ लीजिए, वो भाषा चला दीजिए, वो वीडियो करते हैं, बहुत चर्चाएं हो रही है। जॉर्ज जी, उस क्लिप पर बहुत चर्चाएं हो रही है, खासकर सोशल मीडिया पर तो बहुत चर्चाएं हो रही है। मुझे लगता है वो क्लिप सभी ने देखा होगा। कंचना जी बोलना चाह रही है, कंचना जी आप उनके डिफेंस में आ जाइए, उन्हें पहले बोलने दीजिए उसके बाद आइएगा उनके डिफेंस में। लेकिन पहले मुझे ये बताइए, उस क्लिप की बहुत चर्चाएं हो रही है। नहीं, मैं आ रही हूँ, मुझे पता आप अच्छा डिफेंस देंगी, पहले उन्हें तो देने दीजिए अपनी पार्टी के लिए। जॉर्ज जी, मुझे ये बताइए कि ये जो क्लिप चल रही है, और वो सही कह रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पर भी वायरल है, आपने भी सुनी होगी जैनब जी, आपने भी सुनी होगी धर्मेंद्र जी, उस क्लिप में वो जिस तरह बोल रहे हैं ये करेगा, डर गया है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने खुद आज रैली में उसके बारे में बात की है और उन्होंने कहा कि ये किस तरह से भाषा की, और उन्होंने
सवाल सीधा मेरा ये कि जो वो करते हैं उसको उस पर वो एक तरह का सेल्फ गोल क्यों हो जाता है और उसको भुना जाती है सामने वाली पार्टी यानी बीजेपी। प्रधानमंत्री ने उसका रैली में जिक्र कर दिया और लोगों से कह दिया आप बुरा मत मानिएगा, हमें तो पता है हम कामदार हैं, हम इसी तरह काम करते रहेंगे। आप लोगों के लिए मुद्दा हो गया वो। सुचित्रा जी, जी जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, अगर हमारे नेता राहुल गांधी के भाषा को लेकर प्रधानमंत्री को ठेस पहुंची है तो ये नेशनल टेलीविजन पे मैं खुद इसकी मैं माफी मांगता हूँ और आई एम सॉरी फॉर दैट। बट जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी का बिल्कुल भी ये दृष्टिकोण नहीं था कि प्रधानमंत्री की पद या प्रधानमंत्री को नीचा दिखाए। जॉर्ज जी ये बहुत बड़ी बात है, आप ये नेशनल टेलीविजन पर ये भी कह रहे हैं कि उनका मकसद नहीं था और मैं माफी मांगता हूं, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है कि आप टेलीविजन पर ये कह रहे हैं। ये इसकी मैं तारीफ करना चाहती हूं क्योंकि जिस तरह उन्होंने बोला, अब ये तो एक तरह से सरेंडर है। जैनब एक बार आपके सारी हूं फिर कंचना जी के पास जाऊंगी। जैनब वो जो बात बार बार हो रही है, अपर्णा यादव ने आज बहुत बड़ा हमला बोला, उन्होंने कहा अखिलेश यादव का उतरना, धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, जो घर की छोटी बहू है उनका हमला आया, वो कह रही है कि ये नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस है जिसकी वजह से बड़े नेताओं को निकलना पड़ रहा है और चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है क्योंकि मोदी का डर है कि अब नेता घर में बैठकर नहीं सोच सकते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, उन्हें लड़ना पड़ेगा चुनाव। जैनब जी आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, ये पूरा परिवार सहित पूरा जो यादव परिवार है, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार है, वो तो सभी अब उतर गए हैं मैदान में और अखिलेश यादव जी को अब अपना नाम सामने लाना था क्योंकि सच्चाई यही है कि जो समाजवादी पार्टी का काडर है, जो मैं इससे पहले जो पॉइंट बोल रही थी, वो बहुत ही जो बोलते हैं एक उनमें एक रोष है, उनमें एक यू नो डिसअपॉइंटमेंट है कि हमारे जो अध्यक्ष है वही हमें इतना कन्फ्यूजन के साथ आगे ले रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। और मैं ये आरजेडी की जो प्रवक्ता है उनको ये बताना चाहूंगी कि हाँ मैं बड़े बड़े शब्दों का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारी सोच बड़ी है और हम अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हम अपनी सोच को क्लियर रखते हैं और हमारी विजन क्लियर है, इसलिए मैं बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं एक चीज बड़ी क्लैरिटी से बोलना चाहती हूँ कि जब हम प्रत्याशी सामने लाते हैं, उनके लिए कैंपेनिंग करते हैं, ये एक तरीके से जो हमारा जो जो लोग हैं जिनको हम बोल रहे हैं वोट करने के लिए, या हम उनका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप इसी चीज पे इतने कंफ्यूज्ड हैं तो आप वोट किस मुंह से मांग रहे हैं अपने लोगों से? तो इसी बात से मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी देख पा रहा है कि उनकी हार निश्चित है, इसलिए वो अगर आप देखें कोई भी अभी जो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी ने उन्होंने कहा कि एक जीत सुब्रत पाठक को भले ही मिल गई हो, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, उन्होंने कहा ये उनकी आखिरी जीत होगी, पहली और आखिरी है। शिवपाल यादव भी कह रहे पहली और आखिरी जीत है सुब्रत पाठक की क्योंकि यहां से अखिलेश यादव का उतरना, और मैं इस बात को एक असेसमेंट भी के तौर पर भी जानना चाह रही हूं, अखिलेश यादव कन्नौज से उतरेंगे क्या उनको हराना मुश्किल होगा? इट वॉन्ट बी इजी फॉर बीजेपी वहां से। जी मैं जितना आपको क्या लगता है, मैं जितना जानती हूं अभी जो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति है वो अच्छी नहीं है। नहीं, लेकिन अब मैं आरएलडी के प्रवक्ता के तौर पे अगर ये बोलूंगी तो ऐसे लगेगा कि बिकॉज ऑपोजिशन में है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट रियलिटी यही है समाजवादी पार्टी अभी उनके अपने कार्डर में उनकी स्थिति सही नहीं है, तो लोगों का वोट पाना तो दूर क्या चल रहा है।